वाक्य सेंटेंस। बच्चों, सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन यदि हम इन्हें बिना क्रम के बोलना या लिखना शुरू करते हैं तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे नी बनाई मम्मी मिठाई तथा है पुस्तक अंशु पढ़ता, ये दोनों वाक्य अटपटे हैं क्योंकि शब्द अव्यवस्थित हैं। यदि इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो इनका स्वरूप दिए गए वाक्यों के अनुसार होगा। मम्मी ने मिठाई बनाई, अंशु पुस्तक पढ़ता है। शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य सब्जेक्ट, विधेय प्रेडिकेट। उद्देश्य कर्ता के बारे में सूचना देता है, जैसे मम्मी ने, अंशु, एवं विधेय क्रिया के बारे में सूचना देता है, जैसे मिठाई बनाई पुस्तक पढ़ता है। उद्देश्य यह वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। वाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं, क रचना की दृष्टि से, ख अर्थ की दृष्टि से। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। वाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं, क रचना की दृष्टि से, ख अर्थ की दृष्टि से।